चलो धन्यवाद करेंगे टीम वेलकम बाय यू लिसनिंग टू लाइव कमेंट्री के साथ मैं कमेंटर जोन इस ट्राई ब्रेकर में सुनी सुनी की स्थिति पर थी मैच और पहला गोल जिन्होंने ओरा टीम ने दागा और बस वही फील पेनल्टी प्राप्त करके दूसरी टीम जिस तरीके से पुनवा ने दागा उसके बाद निर्धारित समय की परिसमाप्ति उसी परिसमाप्ति के बाद ट्राई ब्रेकर के माध्यम से इस मैच का उन्नति फील पेनल्टी के दरमियान जैसे नंबर 10 ने गोल के साथ अपने टीम को स्थिति को मजबूत किया था। अभी उनके पास बेहतर मौका जर्सी नंबर 10 10 नंबर जर्सी बेहतरीन शॉट पूरी तरीके से गोल पोस्ट करीब से निकालते हुए बॉल को और एक शून्य यानी कि पहले किक गोल में तब्दील कर दिया अपने स्थिति को थोड़ी सी मजबूत करते हुए। इसी दरमियान 3-3 पेनल्टी किक समय के चलते धीरे धीरे अंधेरा छाती हुई मैदान में उसी अंधेरे को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही टीम के पास होगा 3-3 पेनल्टी किक। जिस टीम के अधिक संख्यक गोल होंगे वह टीम निश्चित रूप से फाइनल में प्रवेश कर जाए। और इसी के साथ गोलकीपर के परिवर्तन होता हुआ जो कि फुटबॉल के नियम है एनी ऑफ द अदर प्लेयर मैच चेंज प्लेस विद द गोलकीपर प्रोवाइड दैट द रेफरी इन्फॉर्म द चेंज इज मोड ड्यूरिंग स्टॉपेज इन प्ले। इट इज ए प्रोसीजर। इस प्रोसीजर के तहत आप गोलकीपर के परिवर्तन कर सकते हैं और इस बार गोलकीपर की परिवर्तित करते हुए उन्हीं के टीम का जर्सी नंबर 11 रेफरी से कुछ सवाल इसी दरमियान पूछते हुए प्लेयर और रेफरी के बीच थोड़ी सी गुप्तगु और इस बार गुप्तगु की परिसमाप्ति करते हुए और कंटिन्यू पेनल्टी जर्सी नंबर 11 अपने टीम के सेंटर फॉरवर्ड के स्थान पर खेलते हैं। आज कप्तान उनके विश्वास के ऊपर क्या खरा उतर पाए देखना होगा। पोजिशन पर आते हुए और यह गजब की यहां पर शॉट ले हुए दोनों ही प्लेयर पूरी तरीके से एंगल बनाए और गोल पोस्ट से करीब से बॉल को देते हुए और इसी के साथ दो गोल अभी तक कर चुके हैं अपने टीम की ओर से अंतिम शॉट लेने के लिए तैयार होते हुए। इसी दरमियान बोणवा और इस सुनहरे पल को आप यूट्यूब चैनल हरीश स्पोर्ट्स के माध्यम से आप देख रहे हैं और इसी के साथ छोटा हुआ जर्सी नंबर 12 जिस तरीके से कलेक्शन हुई थी टच द बॉल गोल पोस्ट पर टकराती हुई सूमती हुई निकल गई। निराश होंगे निश्चित रूप से जिस तरीके से दो किक को गोल में तब्दीली किया और एक किक को गोल में तब्दीली नहीं कर पाए। निश्चित रूप से आवश्यकता है टीम के लिए पूर्णा टीम अगर एक सेव नहीं करती है और विपक्षी टीम जहां तक मैं देखूं ओरा तीनों के तीन अगर यहां पर गोल कर देते हैं तो फाइनल खेलने के लिए अपने स्थिति को मजबूत कर लेंगे। तैयार जर्सी नंबर 4 गोलकीपर सेव के पोजीशन पर आते हुए पूर्णा के गोलकीपर पूरी तरीके से तैयार हजारों की तादाद में दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हुए और एक अच्छी शॉट और इसी के साथ पर गोल होता हूं। एक गोल अभी तक हो चुकी है और अपनी टीम का सबसे दिग्गज खिलाड़ी जब भी पेनल्टी की बात आती है तो कप्तान उन्हीं के ऊपर ज्यादा विश्वास और भरोसा जताते हैं। 13 नंबर जर्सी राइट आउट स्ट्राइकर के पोजीशन पर खेलते हैं
अपने टीम के लिए काफी मैचेस जिता चुके हैं, आज उनके लिए मौका या अपने टीम को सेकंड स्कोर के लिए तैयार। दोनों ही खिलाड़ी तैयार सेव के लिए, गोलकीपर गोल के लिए जर्सी नंबर 13, और इसी के साथ गोल होता हुआ 2-2 की स्कोर के साथ। समांतर स्थिति में पूरी तरीके से 2-2 की स्कोर के साथ समांतर स्थिति में एक सेव आपको सडन डेथ की ओर ले जाएगी। आप अगर यहां पर गोल करती है विपक्षी टीम और तो निश्चित रूप से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर है। एक शॉट आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, चमचमाती हुई ट्रॉफी की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं, एक शॉट पुरस्कार राशि में परिवर्तन हो सकता है, एक गोल आपको 2022 वर्ष का चैंपियन बना सकती है, एक सेव विपक्षी टीम चाहेगी सेव के लिए, लेकिन यहां पर गोल के लिए तैयार होते हुए जर्सी नंबर 5 खुद कप्तान आए हैं इस किक को लेने के लिए। जर्सी नंबर 5 और ये गोल, और इसी के साथ फाइनल में अपने स्थान को सुरक्षित करते हुए हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेशन करते हुए पूरी तरीके से दोनों ही टीम और इसी के साथ टीम ओरा फाइनल मैच खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जय गोपाल ओरा, बढ़िया मैच।